भाई केजीएफ के बाद यश भाई ने जो अपनी लेगेसी बना लिया ना, उनकी फिल्म फ्लॉप होना नामुमकिन है। ये वाला धूम 4 भी सुपर डुपर हिट हो जाएगी। देखिए, आपने धूम फिल्म देखी होगी जिसे यश राज फिल्म ने बहुत साल पहले बनाई थी। मूवी में जॉन अब्राहिम थे, अभिषेक बच्चन थे, उदय थे और मूवी उस समय काफी बड़ी रही, काफी हिट मूवी रही। सेकेंड पार्ट आया, मूवी को एक लेवल और ऊपर लेके जाएगा और फिर मूवी में नजर आए ऋतिक रोशन और भाई धूम 3 ने भाई तबाही मचा दिया कि भाई ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या की जोड़ी ने वाकई में बहुत जहर काम किया। तीसरा पार्ट आया, आमिर खान आया, डबल रोल था, बहुत सारी चीजें दिखाई गई। लोग फिल्में देखने के बाद कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए, लेकिन मूवी ने कमाई कर ली क्योंकि धूम फ्रेंचाइज का नाम बहुत बड़ा हो चुका था, मगर लोग इतना ज्यादा पसंद नहीं आए। देखो, उड़ते उड़ते खबर आई है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये सही है या गलत। भाई जैसे मेरे को पता चला मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखते हैं इस चीज में कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। देखिए, यश राज फिल्म ने अभी अप्रोच किया है 2 लोगों को धूम 4 के लिए। पहले है रणवीर सिंह और दूसरे हैं यश, जो कि हमारे रॉकी भाई। और अभी रॉकी भाई ने जो लेगेसी बना दी है केजीएफ के बाद, भाई उनका फ्लॉप होना तो नामुमकिन है। और रही बात रणवीर सिंह की, तो 2 से 3 फिल्में कर रहे हैं भाई, वो अभी अच्छे धूम के विलेन बन सकते हैं। और इस फिल्म की खास बात यह है कि जो इस फिल्म का विलेन है वही हीरो है। लेकिन मैं आपको बता दूं, विलेन रॉकी भाई ने एक चीज साबित कर दी है, उनसे प्यारा हीरोइक विलेन कोई नहीं बन सकता। अगर ये फिल्म सच में बन रही है, सच में खबरें सच है, तो मैं आपको बता दूं रॉकी भाई बॉक्स ऑफिस फोड़ के रख देंगे। क्योंकि भाई आपने केजीएफ देखी है, इसको भाई बेस से बना के लाए यश और फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने। और जबकि धूम सीरीज का बेस पहले से ही बहुत ज्यादा बड़ा है, ऑडियंस पहले से ही बहुत ज्यादा प्यार देते हैं धूम सीरीज को, तो इसमें आएंगे यश तो भैया तबाही मच जाने वाली है। रणवीर सिंह भी अच्छा कर लेंगे, मगर एक चीज और है, अगर अभिषेक बच्चन और उदय कैरेक्टर में एक और साउथ इंडियन एक्टर आ जाता है तो भाई बहुत मजा आ जाएगा। जैसे कि प्रभास बहुत अच्छे पुलिस वाले दिखेंगे, रामचरण बहुत अच्छे पुलिस वाले दिखेंगे, तो भाई फिल्म की कमाई और भी ज्यादा दोगुनी तिगुनी हो जाएगी। देखिए, थोड़े बहुत चांसेस महेश बाबू का भी था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, भैया मैं कभी बॉलीवुड में नहीं जाने वाला हूँ, मैं तेलुगु में खुश हूँ, लेकिन और भी धूम 4 में साउथ एक्टर जा सकते हैं। बट मैं इमेजिन कर सकता हूँ रॉकी भाई एज ए धूम 4 के विलेन। बाइक हो या गाड़ी हो, कुछ भी दे दो भैया, ये बंदा लगता है जबरदस्त। जैसे कि आपने केजीएफ 2 का कार चेज वाला सीन देख लिया होगा, आपको समझ में आ ही गया होगा गाड़ी के अंदर बैठे यश और उनकी बियर्ड, भाई सुभान अल्लाह, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। अगर भाई धूम 4 में बाइक की जगह गाड़ी आ जाए तो भाई फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी। बाकी देखते हैं, अभी तो बस खबर आई है यश राज फिल्म यश भाई से अप्रोच किया। अगर रॉकी भाई की हाँ होगी तब भाई धूम 4 में रॉकी भाई बिल्कुल दिख सकते हैं। बाकी आप भी कमेंट करके बताओ, अगर ये चीज होगा तो आप हिसाब से कैसा होगा, भाई मस्त लगेगा या फिर क्या ही रॉकी भाई बॉलीवुड में टाइम वेस्ट करने जाएंगे, जहाँ है वहीं के रॉकिंग स्टार है। अपनी राय जरूर देना और ऐसी अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।